अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। जी मेरा नाम सैयद नजमुद्दीन है। ये हमारी होटल है ग्रीन हाउस फैमिली ढाबा अजीज़ नगर रोड पर। यहाँ पर हमारा पान शॉप भी है, पान महल ग्रीन हाउस के नाम का। तो कल रात में इसमें चोरी हो गई है, तकरीबन 2:30 बजे रात को। सीसीटीवी फुटेज में वो लोग टाइमिंग वगैरह हमने चेक की है, तो 2:30 बजे रात को 3 से 4 लोग आए थे, नकाबपोष थे, और आकर जो है ना डब्बे का ये पीछे ये साइड का हिस्सा है यहाँ से लॉक तोड़कर अंदर दाखिल होकर लोगों ने पूरा सामान, जितना भी महंगा सामान था, सिगरेट वगैरह, वो सारा आप देख सकते हैं पीछे का पूरा सामान चले गया। सिर्फ चंद बीड़ी के कट्टे छोड़े हुए हैं, बाकी का तो सब सारा सामान जो है ना वो चोरी हो गया। करीब 2 से 2.5 लाख का सामान था, पूरे भारी भारी सिगरेट्स है पूरे। अब हमने कल मोइनाबाद पीएस में कंप्लेंट भी की है आज सुबह में, और अभी एक्नॉलेजमेंट आना बाकी है उनके पास से। इंक्वायरी वो लोग शुरू कर दिए आके यहाँ पर फिंगरप्रिंट वगैरह चेक करें, मगर हम कुछ जो है ना ठोस कदम अगर गवर्नमेंट की तरफ से या पुलिस वालों की तरफ से कुछ होता है डिपार्टमेंट की तरफ से तो कुछ बात बनती, क्योंकि चंद दिन पहले ही हमारे बिल्कुल बाजू में एक डब्बा है हमारे उमर भाई का, ये इनके पास भी चोरी हुई। तो ये लोग जो है ना सामान इनके पास भी करीब अच्छा ही चोरी हो गई सामान उनका भी, ऐसे ही रात में आकर 40 से 50 हज़ार बता रहे हैं इनका नुकसान हो गया। पुलिस भी थोड़ा सा 1 महीना पहले पेंडिंग केस को भी अभी कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया। अभी एक से दो महीने हो गया इनका भी पास भी, अब तक जो है ना इनके पास भी अभी कुछ भी नहीं हुआ, और फिर कल ये हादसा हो गया। तो मैं गुजारिश करता हूँ डिपार्टमेंट वालों से कि भाई कुछ से कुछ सख्त एक्शन लो। लोग अपने सरमाया लगा के बैठे हुए हैं कारोबार करने के लिए, और इस तरीके का अगर परेशान है लोग जी खुलने के बाद भी फिर ये चोरियाँ बोले तो पब्लिक को और परेशानी हो जा रही। चीना पैसा, ये मेरा पान शॉप है। ऐसे मोइनाबाद में भी था मैं, वहाँ चोरी हो रही, चोरियाँ हो रहे बोल के वहाँ से हट के हिमायत नगर पे आया, वो मुकाम पे भी चोरियाँ होने लगे। अब आया मैं अजीज़ नगर पे, अब यहाँ भी वही कैफियत हो रही। पुलिस में कई मरतबे कंप्लेन ना करे, कई चक्करें काटे, कोई रिस्पांस देने वाला नहीं है। और कितने महीने पहले चोरी हुई है? अब ये 1 महीना हो रहा चोरी हो के, अब तक कुछ नहीं है, कोई आ रहे नहीं, कोई कुछ पूछ रहे नहीं। मैं कंप्लेन कराया जाके नाके में पीएस में, मगर उसके ताल्लुक से मेरे को कोई प्रूफ के तौर पे कोई चीज़ नहीं दी है मेरे को। एक्नॉलेजमेंट नहीं दिए, यहाँ पे आके डब्बे की पूरी वेरिफिकेशन करके गए पुलिस वाले, बाद में इन्होंने आके जो है ऐसा करके जो है पूरा देख लेके फोटो आधार कार्ड की जेराक्स वगैरह लेके गए पुलिस वाले। हाँ, उसके बाद से सब खामोश है, यही अपने मोइनाबाद पीएस। उसके बाद में सब उन्होंने उनकी जगह हमारी जगह आकर ऐसा रहा तो गरीब करके कहने वाला, जबकि लॉकडाउन से ही परेशान है, कारोबारों से ही परेशान है, फिर अब ऐसे परेशानी बोले तो करके खाने वाला कैसा जीना। कल रात में भी कुछ वाकया हुआ आपके पास? फिर कल रात में भी जो है इधर के डोर के पूरे दोनों लागा तोड़ दिए। शुक्र यह है कि अंदर से खटका लगा हुआ था इधर के डोर को, पीछे के डोर पे आते तो आज रात में भी ये भी डब्बे में चोरी होती थी। इससे पहले जब चोरी हुई आपने तो 20,000 का माल गया? तकरीबन कुछ कम 50 के करीब चले गया मेरा, कुछ कम 50 के। हाँ, अभी तक पुलिस वाले कुछ नहीं दिए। आपको एक्नॉलेजमेंट भी नहीं दिए? आप पूछे जाके? हाँ, 3 मरतबे गया मैं नावके पे, उन्होंने नहीं है, इन्होंने नहीं है, उन्होंने वहाँ है, इन्होंने यहाँ है, शाम में आते, दोपहर में आते, जब जा रहे कोई भी मिल रहा ही नहीं वहाँ पे। अच्छा, ऐसा चल रहा है ऐसा। अब पुलिस से क्या चाह रहे हैं आप? अब पुलिस से क्या चाह रहे हैं, यही सेफ्टी होना भाई हमारे कारोबारों के मुकामों पे। अगर ऐसा रहेगा तो हम लोग करके जीने वाले कैसा जियेंगे। और पहले जो चोरी हुई है आपने उसके बारे में कुछ बोलना चाह रहे हैं पुलिस वालों से? पुलिस डिपार्टमेंट से क्या यही है कि सेफ्टी होना हमको, अगर ये चोरी कर रहे तो कौन है। पहले की रिकवरी के बारे में कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं, अब क्या करते हैं, अब वो तो हो गया, सालों गुजर गए, अब उसको लेके क्या करते हैं? अभी जो 1 महीना पहले हुआ
ठीक है बोले कुछ करेंगे हम, पकड़ेंगे वो करेंगे ये करेंगे, अब तक कुछ नहीं है। अच्छा, तो अगर करना क्या, अगर पुलिस डिपार्टमेंट से ऑफिसरों से कुछ गुजारिश करना चाह रहे हैं? गुजारिश ही करना चाह रहे हैं, यही गुजारिश करना चाह रहे हैं कि कारोबार है कि मुकामों पे सेफ्टी होना, चोरा है तो अगर डिपार्टमेंट्रोलिंग नहीं होती इधर नाइट में। हाँ, क्या है कि अब रात में तो रहते नहीं हम यहाँ पे। आप लोग कब तक रहते हैं? 11 बजे तक रहते हैं। उसके बाद पुलिस की कभी पेट्रोलिंग देखे? नहीं देखे हम। आप लोग रहे तक की कभी पुलिस नहीं आते जाते नहीं यहाँ पे? वो आगे जो है जाते रहते, खाली गाड़ियाँ हैं सर। अच्छा। वही नज़र में आते, रुकते नहीं, यहाँ कोई